एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉर्मल स्टाइल कॉर्नर। और आज का वीडियो आप टाइटल से समझ चुके होंगे, आज का वीडियो है मीशो शॉपिंग हॉल, जिसमें हम लाए हैं ये सब प्रोडक्ट। इसमें है टॉप है, सूट सेट है, गाउन है और फुटवेयर भी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आज के रिव्यू में हम क्या क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत मिल रहे हैं, लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप सब वीडियो तो सब देख रहे हैं, व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं, बट आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारी इस जर्नी में मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम इसी तरह और भी यूजफुल टिप्स, हैक्स और रिव्यूज़ की वीडियोस लाते रहेंगे। तो ये तो थी एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आज के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो कि रिव्यूज़ के लिए हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल येट एलिगेंट एक सूट सेट है, जिसमें कि है एक कुर्ती और एक स्कर्ट का सेट। पहले हम कुर्ती देख लेते हैं, ये देखिए, ये है एक सिंपल सी येट बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट सी कुर्ती। इसका फैब्रिक है कॉटन और ये देखिए, ये है इसका राउंड नेक और इसके नेक में ये इस तरह से ये गोटा पट्टी लगी हुई है सारी। ये गोटा पट्टी का डिज़ाइन है पूरा ऐसी राउंड में नेक के साथ, ये पूरा गोटा पट्टी स्टिच है और स्लीव्स है इसकी हाफ स्लीव्स, और स्लीव्स के एंड पर भी इसी तरह से गोटा पट्टी लगी है जैसा कि नेक में दिया हुआ है, वैसी सेम इससे मैच करता हुआ इसका स्लीव्स में भी गोटा पट्टी स्टिच हो रखी है, ये देखिए। बाकी योग पोर्शन के बाद ये नीचे जाके हो जाता है पूरा फ्लेयर्ड अनारकली लुक पे, बट इट्स अ शॉर्ट अनारकली, इसका लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि शरारा और स्कर्ट के साथ जो होते हैं आजकल शॉर्ट कुर्तीज़ का ट्रेंड है इनमें है, इसलिए ये इस ट्रेंडी सूट सेट को हमने सेलेक्ट किया है। इसका लेंथ है शॉर्ट और नीचे जाके योग के पोर्शन के बाद फ्लेयर में इसके पास सारी ये इस तरह से प्लीट्स दी हुई हैं, जिससे कि इसका फ्लेयर अच्छा हो जाए, ये देखिए। और बैक साइड से है ये पूरा प्लेन, बट इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है वो है ये, ये देखिए, इसमें पीछे इस तरह से ये डोरी दिए हैं टाई करने के लिए और दिए हुए हैं बैक साइड में, डीप नेक है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप क्राउन में देख ही सकते हैं इसका कैसा लुक आ रहा है, और इसका कलर और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। और ये इस तरह से बैक में ये डोरी दी हुई है टाई करने के लिए, उसके साथ दिए हुए हैं ये इस तरह से पॉम पॉम क्लॉथ के सेम मैचिंग, ये गोटा पट्टी लगा के इस तरह से पॉम पॉम रफल्स बना रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सिंपल सा सूट है, कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, कोई ज़्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ ये नेक पे और इसके नेक पोर्शन में और स्लीव पोर्शन में ये गोटा पट्टी लगा है बस, और पीछे ये डोरी दिया है। देखिए आप ट्रायन में, आपको दिख रहा होगा कैसा लग रहा है, देखिए आपको ट्रायन में दिख रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा एक लिपस्टिक भी मैच करता हुआ लगा लेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्या लगेंगे, और अगर आप चाहें तो उसका मैचिंग दुपट्टा भी ले सकते हैं। सो दिस वॉज द शर्ट, नाउ मूव ऑन टू द स्कर्ट। बॉटम है इसका स्कर्ट, प्लास्टिकेटेड वेस्ट है, आराम से आ जाएगा, ये देखिए कितना ब्रॉड है ये, तो आराम से आई थिंक 37, 38, 40 आई थिंक आ जाएगा, क्योंकि पूरा इलास्टिकेटेड है और पूरा स्ट्रेच हो रहा है ये, और ये इस तरह से पूरा प्लेन स्कर्ट है। जैसे कि मैंने बोला, पूरे सूट में कोई तामझाम नहीं है, सिर्फ ये गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है आपको नेक में और स्लीव्स में, और वो ही मैच करता हुआ वो दिया है स्कर्ट के बॉटम में, ये देखिए सेम वही गोटा पट्टी बॉटम में लगी है फ्रंट एंड बैक पे, ये देखिए। बाकी सब पूरा स्कर्ट प्लेन है, बट इसको जब पहनो ना, आप ट्रायल में देख रहे होंगे, इसको पहन के स्कर्ट और शॉर्ट कुर्ती को पहन के ऐसा लग रहा है शरारा और कुर्ती का सेट है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जयपुरी लहरिया कुर्ती, प्योर कॉटन इसका फैब्रिक है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आई थिंक 4 to 5 कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। मेरे को पिंक कलर में अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पिंक चूज़ किया, बट आपको अगर अपनी पसंद का कोई और कलर आपका फेवरेट है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं इसमें से। इसका ब्रांड है जयपुर अटायर, जयपुर अटायर के बहुत अच्छे क्लोथिंग है, बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक होता है। हमने पहले भी इसकी कॉटन की कुर्तीज ली है ना, ये धोके श्रिंक होती हैं और इसका कॉटन भी बिल्कुल प्योर होता है, इसमें बिल्कुल भी आपको स्वेट नहीं होता, बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगती है, बिल्कुल ऐसा लाइट फैब्रिक है, पहना हुआ पता भी नहीं चलता। ये देखिए बिल्कुल प्योर कॉटन है, मतलब इतना प्योर कॉटन है कि इसको पहन के मज़ा आ जाता है, ऐसे कोई नहीं है कि बहुत ही हैवी क्लॉथ हो या कुछ हो। और ये देखिए इसके नेक पार्ट में और इसके योग पार्ट में ना इस तरह से एक गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है, ये
ग्रीन एंड सिल्वर कलर की गोटा पट्टी है, सिल्वर और गोल्डन मिक्स है, दोनों का ही लुक आ रहा है, मिक्स कलर है ये। इस तरह से ये ग्रीन और गोल्डन गोटा पट्टी दी हुई है, और नेक है इसका राउंड, और नेक के फ्रंट में ये इस तरह से एक हल्का सा वी कट दिया हुआ है ये इस तरह से, और इसमें पूरा नेक में ऐसे नीचे तक पूरा ये पट्टी जा रही है गोटा पट्टी की, ग्रीन और गोल्ड गोटा पट्टी। और जो ये कट दिया हुआ था ना वी, इसमें बांधने के लिए दी हुई है डोरी, और डोरी के एंड पे दिए हुए मैच करते हुए ग्रीन एंड पिंक कलर के पॉम पॉम, कितने क्यूट से लग रहे हैं छोटे से ब्यूटीफुल। और स्लीव्स है इसकी 3/4, और स्लीव्स के दोनों स्लीव्स के एंड में भी सेम नेक से मैच करता हुआ ग्रीन और गोल्डन कलर का ये गोटा पट्टी दिया हुआ है। बाकी पूरी कुर्ती में है ये लहरिया वर्क, और जो इसके ये स्लिट्स होते हैं, साइड स्लिट्स होते हैं कुर्ती के, उसमें भी सेम नेक से मैच करता हुआ ये गोटा पट्टी दिया है ग्रीन और गोल्डन कलर का बोथ साइड में, बट ओनली फ्रंट नॉट बैक। बिल्कुल लाइट फैब्रिक है, बिल्कुल ही प्योर कॉटन वाला जो क्लॉथ होता है ना, बहुत ही लाइट वेट होता है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है, वो वाला क्लॉथ है ये। जयपुर टायर के जो फैब्रिक्स है वो बहुत अच्छे होते हैं। और ये आज का एक टिप समझ लीजिए कि जिस तरह से चिकनकारी कुर्ती मस्त है समर में, कि एक ना एक किसी के बॉर्डर में कोई भी कलर होना ही चाहिए हर किसी के बॉर्डर में, इस तरह से ये जो लहरिया कुर्ती होती है, जयपुरी कुर्ती, जयपुरी प्रिंट या लहरिया प्रिंट है ना, ये भी मस्ट है फ्रेंड्स। ये हर एक गर्ल के बॉर्डर में कम से कम एक कलर तो होना ही चाहिए, जो आपका फेवरेट है वो कलर लेके रख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा लुक लगता है समर में अगर इस तरह की लहरिया कुर्ती कॉटन की पहनी हो। और इसको आप मैच कर सकते हैं अपने किसी भी वाइट कलर के प्लाजोज के साथ, या आप लेगिंग के साथ मैच कर सकते हैं, चूड़ीदार के साथ मैच कर सकते हैं, वाइट कलर ले लीजिए, पिंक कलर ले लीजिए, इसमें जो ग्रीन दिया हुआ है इवन आप ग्रीन के साथ भी मैच कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल येट एलिगेंट ब्यूटीफुल सोबर लगेंगे और साथ ही साथ स्टाइलिश भी लगेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू दैट थर्ड प्रोडक्ट, और वो है एक बहुत ही एथनिक लुक देता हुआ बट सिंपल और एलिगेंट सा बिल्कुल यूनिक एक टॉप है। ये देखिए, ये इस तरह से फैब्रिक है इसका, प्योर कॉटन, सारे जो अब तक हमने क्लॉथ देखे सारे प्योर कॉटन है, पूरे समर अप्रोप्रिएट है, सारी की सारी शॉपिंग है समर को ध्यान में रखते हुए की गई। ये देखिए, इसका नेक जो है ना वो अंगरखा पैटर्न में है, और ये जो नेक पार्ट दे रखा है ना, ये क्लॉथ के साथ ये गोटा पट्टी स्टिच है। ये देखिए, सिल्वर कलर का गोटा पट्टी स्टिच है ये, इसको अंगरखा लुक देने के लिए ये इसके फ्रंट में अंगरखा लुक जाता है। और इसके बाद जहाँ पे ये अंगरखा पैटर्न फिनिश हो रहा है वहाँ पर दिया हुआ है ये दो डोरीज टाई करने के लिए, बिल्कुल एक अंगरखा जैसे कुर्ती होती है ना अनारकली कुर्ती, वैसा लुक देता है। आप ट्रायन में देख सकते हैं कैसा लग रहा है, ये देखिए। और इसके एंड में दिए हुए क्लॉथ वाले दो रफल्स, और नीचे सारा अनारकली जैसे पैटर्न होता है ना वो पूरा प्लीट्स दी हुई है इसको, ये देखिए, फ्लेयर देने के लिए। जैसे पेपलम टॉप होता है वही है, ये पेपलम टॉप है बट अंगरखा स्टाइल में, इसको एथनिक लुक दे दिया है ये है, तो ये एक इंडो वेस्टर्न टच देने के लिए किया होगा मे बी। और ये देखिए, बैक साइड से पूरा टॉप प्लेन है और ये नीचे से ये पेपलम लुक है। स्लीव्स है इसकी हाफ, और स्लीव्स के एंड में वो ही जो सिल्वर गोटा पट्टी थी नेक में वो ही मैच करने के लिए स्टिच की हुई है दोनों स्लीव्स के एंड में। ये देखिए, ट्रायल में आप देख ही रहे कैसा लग रहा है, इसको आप अपने किसी भी जीन्स के साथ, ट्राउज़र के साथ, इवन शरारा के साथ भी, अगर आप किसी मैचिंग शरारा के साथ ले लेंगे और उसके साथ दुपट्टा ले लेंगे ना, पूरा एक सूट सेट बन के तैयार हो जाएगा, पूरा एक एथनिक लुक आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्लॉथिंग प्रोडक्ट, जो कि है एक ये ड्रेस। ये हमने एक ड्रेस मंगाई थी, इसके साथ आया ये छोटू सा मास्क, ये जस्ट मैच के लिए शौक लिया, ये कोई यूज़फुल मास्क नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि ये यूज़फुल होगा, अगर मैचिंग के लिए पहनना है तो आप पहन सकते हैं, बट इफ़ कोविड के ध्यान में रखते हुए अगर ये देखें तो यूज़लेस है। सिर्फ ड्रेस से मैच करने के लिए, एक मैचिंग लुक देने के लिए ये मास्क मिला है इसके साथ, और जो ड्रेस है उसका लुक है ये। सिर्फ यही एक ड्रेस है
जिसका क्लॉथ कॉटन नहीं है, इसका क्लॉथ जो है वो क्रेप है, बट इसके साथ भी एक ट्रेजेडी होगी। हमने ऑर्डर कुछ और किया था, वो मैं ऊपर पिक लगा दूंगी मैंने क्या ऑर्डर किया था, और मुझे बिल्कुल ही ड्रास्टिकली जो चेंज होता है ना, बिल्कुल ही कहीं से भी टोटली ये मैच नहीं हो रहा है जिस जो मैंने ऑर्डर किया था उससे। इसका कलर भी नहीं मैच हो रहा, इसका डिज़ाइन भी नहीं मैच हो रहा। मैंने ऑर्डर किया था पिंक कलर में स्लीवलेस मैक्सी ड्रेस, और मुझे क्या मिला है ये, आप कंपेयर कर सकते हैं ऊपर जो पिक लगी है, मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे क्या मिला है। सिर्फ नेक का जो पार्ट है ना वो मैच करता है, ये इस तरह से, ये जो आपका ब्लेजर लुक नहीं होता है उस तरह का, ये आपको कॉलर नेक दिया हुआ है, ये देखिए जैसे ब्लेजर्स में होता है। और इसमें फ्रंट में दिए हुए थ्री बटन्स, हाँ ओपनेबल बटन्स हैं, ओपनेबल हैं तीनों बटन्स, ओपनेबल हैं। और स्लीव इसका है 3/4, जबकि ऑर्डर मैंने स्लीवलेस किया था और लाइट पिंक कलर किया था, ये देखिए 3/4 स्लीव है। ट्रायल में आप देख ही सकते हैं कैसा लग रहा है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर ही नहीं किया था तो मुझे पसंद आना ही नहीं था। वैसे भी मैंने ऑर्डर कुछ और किया था, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी जो होता है ना वो यही हो गया है फर्स्ट टाइम मेरे साथ। सी, अगर आपको ग्रीन कलर पसंद है और आपको फुल स्लीव्स या 3/4 स्लीव पसंद है और आप स्लीवलेस प्रेफर नहीं करते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि क्लॉथ कोई ऐसा थिक नहीं है कि इसमें बहुत गर्मी लगेगी। क्लॉथ इसका ठीक है, गर्मियों के लिए आप इसको पहन सकते हैं। और इसके साइड्स में दी हुई है पॉकेट्स, ये देखिए पॉकेट दिया हुआ है इसके साइड में, सिर्फ एक साइड में, वन साइडेड पॉकेट है राइट हैंड साइड में, ये देखिए। और फ्लेयर इसका काफ़ी अच्छा है, ये आप देख ही रहे होंगे ट्रायल में, फ्लेयर अच्छा है इसका काफ़ी। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको रखने वाली हूँ। एनीवेज, होता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए जी, ये तो हो गई सारी क्लॉथिंग, और अब ना नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ फुटवेयर। ये देखिए मैंने मंगाया है एक फुटवेयर, ये बहुत आजकल ट्रेंड में है, और मेरे पास ऐसा सेम वाइट कलर में है बट मैंने ब्लैक कलर में इसको मंगाया है। ये देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत आजकल इन है, ये आजकल बहुत चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हर किसी के साथ इजीली आप पेयर कर सकते हैं, हर किसी अटायर के साथ। आप इसको सूट सेट के साथ पहन लीजिए, मैक्सी ड्रेस के साथ पहन लीजिए, जीन्स के साथ पहन लीजिए, इट मीन्स कि इट विल गो वेल विद एथनिक प्लस वेस्टर्न ऑल्सो, दोनों के साथ ही बहुत ही अच्छा लगेगा ये। ये देखिए, और इसका साइज़ चार्ट जो है ना बिल्कुल ट्रू टू साइज़ है, जो आपका साइज़ है आप वही ऑर्डर कीजिए, मेरे जो साइज़ है मैंने वही ऑर्डर किया, बिल्कुल फिट आ रहा है मुझे। और ये है पूरा वेलवेट वर्क, ये वेलवेट है जो ब्लैक कलर का इसका क्लॉथिंग है ना, वो पूरा वेलवेट है, ये भी वेलवेट है, और बैक साइड में ये जो आपका पोर्शन है वो है कवर्ड, तो आपका जो हील एरिया है ना वो कवर्ड होगा बैक साइड से। और हील्स भी इसकी अच्छी है काफ़ी, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, मीडियम हील है। पहन के भी ना इसको इतना अनकंफर्ट फील नहीं होता है कि बहुत हार्ड सोल है या चला नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हील्स का ही होता है कि कई हील्स जो होते हैं वो इरिटेट करते हैं, चुभते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप इतने हाई एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिएगा कि अगर आप इतने चीप में ऑर्डर कर रहे हैं, ये हमें 250 में मिला है सेल में, तो अगर आप इतना हाई एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि हाँ जी आपको इतना कंफर्ट वाला डॉक्टर सोल मिलेगा जो महंगे वाले जो फुटवेयर है उनके साथ करेंगे, तो फिर आप डिसअपॉइंट ही होंगे। बट हाँ, अगर आपको 1-2 times इसको पेयर करना है अपने एथनिक या वेस्टर्न के साथ, तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। और हमें तो बहुत अच्छे लगे ये पहन के, कितने अच्छे और क्यूट लग रहे हैं, आप ट्रायल में देख ही रहे हैं। आप इसको चाहे सूट सेट के साथ कीजिए, मैच अपने ड्रेस के साथ कीजिए, आप जीन्स के साथ कीजिए, एथनिक प्लस वेस्टर्न बोथ दोनों के साथ ही ये बहुत अच्छे पेयर होंगे। इसके लिए हमारी तरफ से थम्स अप, और आज के पूरे हॉल में ये शो स्टॉपर है। और अगर क्लॉथिंग की बात करें तो पिंक जो लहरिया कुर्ती है वो आज के हॉल का शो स्टॉपर है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही थे आज के सारे प्रोडक्ट्स जो कि थे क्लॉथिंग प्लस फुटवेयर, हमने मंगाए थे मीशो से, और इन सब का ट्रू रिव्यू हमने आपके साथ शेयर किया, ट्रायल भी शेयर कर दिया है। तो और इन सब के जो कोड्स हैं, जो परचेजिंग कोड है, बाइंग कोड है, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में मेरा रेफरेंस कोड भी है, रेफरल कोड, अगर वो आप अप्लाई करेंगे चेकआउट के टाइम पे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 30% डिस्काउंट या 100 rupees का ऑफ, जो भी एप्लीकेबल होगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। तो आप इसी तरह शॉपिंग कीजिए और उसके साथ साथ सेविंग भी कीजिए हम मेरा रेफरल कोड लगा के, और जो मैंने आपको लिंक दिया उसी से आप मीशो डाउनलोड कीजिए और मेरा रेफरल कोड लगाइए, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का या 100 rupees का ऑफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग
टिप्स हैक्स या रिव्यू की वीडियो में, उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए हमें ताकि हम इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।